बस मैं हम लोग तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऊटी और ऊटी में मनीषा के दांत टूटी इनका मुंह फूटी तो अभी हम लोग जस्ट बस स्टैंड में आके अब हम लोग यहाँ साइट सीइंग घूमने का प्लान कर रहे हैं। बस से जाते हैं ना बाहर जब उतरे तो इतना ठंडा मौसम है ना आप लोग देख सकते हो बादल को इतना मस्त बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखिए फोटो यहाँ फोटो शूट चल रहा है अभी फोटो शूट चल रहा है और अभी हम लोग घूम रहे हैं। ऐसा होता है तो इनको आप लोग देख सकते हो ये क्या कर रही है ये अपना स्वेटर भी लेके आई है ताकि इनको ठंडा नहीं लगेगा क्योंकि मेरा भी पहले से ठंडा लग रहा है। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का ऐसा ही रहा है जब आते हैं तो इधर से ही खरीद के जाना पड़ता है इसीलिए इस पर लेके आए और ये ऊटी का ही स्वेटर है पिछले बार मैं खरीद यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली भी मिलता होगा क्योंकि मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं ये लोग। तो हम लोग चल रहे हैं और खूबसूरत खूबसूरत नज़ारा आप सबको दिखाएंगे आप लोग बस बने रहना और खूब देखना आप लोग वीडियो और एंजॉय भी करना। सो दोस्तों ये दोनों हमें ढूंढ रहे थे और हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में तो यहाँ लड्डू भी और देखिए अभी राजीव गांधी जी की मूर्ति जो दिख रही थी वो दिखनी बंद हो गई। बादल पूरा बादल है यहाँ। सो गाइस अभी बादलों के बीच में हम चल रहे हैं देखो बहुत ही प्यारा नजारा बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। मैं बस से जैसे उतरी मैं बोली यार हिमाचल से तो मस्त है। अब यहाँ में हम लोग जा रहे हैं कौन सा अब यहाँ ऊटी और कुन्नूर कुकुर का रही है कोई नूर कुन्नूर तो आपको सब दिखाएंगे बने रहिएगा। क्षण भर में मौसम का रुख कुछ यूं बदल गया हम तो उतरे सही सलामत थे। लड्डू लड्डू लो ये लो लो ले लो लड्डू ले लो लो लड्डू टेक इट आर्ट हीरो को देखिए और बहुत ही सुंदर मौसम गाइस तो गाइस पता है क्या अभी अभी ठंड उतनी लगी नहीं है ठंड है लेकिन उतनी नहीं है लेकिन ये आ गई जैकेट खरीदने शॉपिंग का बहाना करके कि मेरे को दिलवा मेरे पास जैकेट हम अभी ऑनलाइन भी ऑर्डर किए थे बट हम बोले कि हम लेके चले तो ये बोले कि वहाँ ठंडा लगता ही नहीं है इतना सारा ये कितना अच्छा लेकिन ना हम अपने दिमाग से करते कुछ कुछ सही हो जाए। ये देखिए ये एक और आ गई ये भी खरीदवा रही है जबरदस्ती बोल बोल के कहाँ खरीद लो लड्डू का खरीद रही लड्डू को तो ठंडा लगेगा लड्डू के पड्डू बेटे। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ से बस एक हायर कर लिया बस टेक्स अराउंड 275 तो लोग पूरा घूम रहे तो वो त्यारे तंजरा जी तमिल आपको समझ में आएगी इसमें गाड़ी किसमें है तुम तो वो तो गाइज अभी ये चश्मा मेरे लिए मनीषा पसंद की बार मैं पसंद कर लिया आप लोग बताओ कैसा लगता है। अच्छा ही लग रहा होगा है ना तो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है क्या नहीं चलिए अच्छी है टाइम नहीं है। सो गाइज 11:15 पे हमें निकलना भी है यहाँ पे देखिए इन लोगों की शॉपिंग ही खत्म नहीं हो रही है पता नहीं कितना ये लोग खरीदते रहता है मतलब मेरे को ये लगता है ना कि ये दोनों लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग करता होगा लेकिन उसके बावजूद भी जब मार्केट में आएगा कुछ ना कुछ इन लोगों को उठाना ही उठाना है क्या कुछ भी नहीं है सब तुम लोग का समझ में आ रहा है हमको एक बार तो कहे ना तो कहे ले लो कि कहे लाई देखिए दोनों बाप बेटा को लड्डू उल्टा जैसा क्यों पहना है बेटा लड्डू अर्नब बन रहा है मुंह तो अर्नब जैसा बना लेता है थोड़ा थोड़ा इधर देखो इधर देखो बैठ चश्मा पहनने की कोई पहचानता नहीं है हाँ हीरो बन जाता है चश्मा पहनने के बाद। सो गाइस चलिए अब थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं पहले हम लोग अंदर चलते घूमेंगे अच्छा चश्मा निकल के अच्छा आइसक्रीम बोल रहा है आइसक्रीम बोल रहा है पूरा क्या चाहिए आइसक्रीम यहाँ आइसक्रीम देख के आइसक्रीम पड़ रहा है आई फॉर ये देखिए स्वैग आइसक्रीम ए फॉर है अभी ए फॉर भी आइसक्रीम ही दिख रहा है इसको। सो दोस्तों इसी के साथ आप सभी का स्वागत है तमिलनाडु की जन्नत हिंदुस्तान की भी जन्नत कह सकते हैं ऊटी में आई लव ऊटी। Hey!
बाप रे, ये लोग इतना फोटो खिंचवा रहा है गाइस, मतलब फोटो खत्म नहीं हो जाए, पूरा मेमोरी यहीं खत्म हो जाएगा गाइस। ये है बोट हाउस, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, शांत वातावरण। अभी हम लोग जब आए थे तब कितना फॉग था और यहाँ सारा क्लाउड सब हट चुका है, अब थोड़ा थोड़ा धूप भी दिखने लग गया। तो वही है, यहाँ पे मिनटों में मौसम बदल जाता है। और यहाँ पर दोनों नंद भाभी लगी हुई है आपस में, पति वो कैमरामैन बनाया हुआ है, एक तरफ मैं कैमरामैन, एक तरफ ये कैमरामैन, बताओ इन लोगों को, दो तो हैं लोग। और ये लड्डू, लड्डू छी नो। तो यहाँ पर रील्स बनने लग गया, और ये रील बन रहा है भाइयों, रील रील। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से बोट हाउस का काम करके अब आगे की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत नजारा। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो कौन सा गार्डन है? बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन नहीं है, मेरा खाली मुंह है खिलने में। और अभी बारिश की बूंदें पड़ रही है और ये लड्डू कितना क्यूट लग रहा है। हाँ, लड्डू को आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश आ रहा है, बारिश तो इतना ठंडा मौसम, उसके बाद बारिश, बहुत मजा आ रहा है घूमने में। तो अभी ये सुनो, बारिश वाला सॉन्ग कोई याद है क्या? तो गाइस अब यहाँ ठंड लगी तो इनको स्वेटर भी लेना पड़ रहा है। तो स्वेटर देखिए कैसा पसंद किए हैं, झलमकरा जैसा। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, क्यूट लग रहा है, पहने रहो, ठंडा लगेगा ना। तो आप लोग बताना गाइस कमेंट सेक्शन में। ये गाइस सिर्फ 250 रुपीज़ का। तो आप लोग ऊटी अगर आते हैं तो आप लोग यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। शॉप का नाम नहीं दिख रहा है, ये अच्छा ढूंढिएगा आप लोग। तो गाइस यहाँ बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है, ये सही बोल रही थी कि यहाँ आने के बाद लेना ही लेना होता है, खरीदना ही पड़ता है। तो अभी मेरे को भी ठंडा लग रहा था तो मैं भी ले ले रही थी, ले लीजिए। तो अभी देख रहे हैं ये ट्राई करके इनके में कौन अच्छा लग रहा है। वैसे तो गाइस हम लोगों को यहाँ पर कहाँ छुपना पड़ा है, ठंडा भी लग रहा है प्लस बारिश भी आ गया। इतना ठंडा लग रहा है कि हम लोग को स्वेटर लेना ही पड़ गया। स्वेटर ले लिया और इस होटल के नीचे, बाप रे बहुत जोर से बारिश आ गया है। आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए, चले ना आओ। तो लड्डू का तीत नोस का है, मामू का नोस का है, नाखून मार दिया लड्डू। बहुत तेज बारिश हो रही है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा रोड। आइए आइए आइए, लीजिए घर के लिए फूल, क्योंकि पूजा और मनीषा है बहुत बड़ी भूल। गाइस कितना क्यूट क्यूट फ्लावर है, या ये एक पूरा पौधा है गाइस। आपको लग रहा होगा रोज का कोई फूल है, लेकिन ऐसा नहीं है, पौधा है पूरा। बहुत खूबसूरत नज़ारा, मेरा फ़ोन भीग रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर इसी के साथ हो चुकी है ज़ोरदार बारिश, बोटानिकल गार्डन में जाना था इनको, यही है, यही है, हम गए, और ये भी है। और तो गाइस हम लोग अम्ब्रेला के नीचे आ गए, आप लोग देख सकते हो। और ये अम्ब्रेला लेना पड़ा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और अम्ब्रेला चले, इसमें सब आ गए हम लोग। ये बड़का अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला बहुत ही क्यूट सा है यार, कलर अलग कलर है। तो दोस्तों अब यहाँ पर भुट्टा खाने का मन कर रहा है मनीषा को। दिस इज द मेसमराइजिंग व्यू ऑफ बोटानिकल गार्डन ऊटी, कितना खूबसूरत नज़ारा गाइस, बहुत ही प्यारा लुक। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी पूरी टीम पीछे, मनीषा भी है। चलो आजा मनीषा, ये गार्डन बहुत प्यारा है, इसके सौंदर्य अभी आगे दिखेगी आपको। गाइज वैसे पूरे बोटानिकल गार्डन को तो मैं एक दिन में भी शायद ना दिखा पाऊँ, लेकिन यहाँ पर जो खूबसूरत नज़ारा है ना, ये फ्लावर्स ऊपर से यहाँ पे जो फ्लावर्स के सेट रखे हुए हैं वो आपको एक अलग ही नज़ारा देने वाले हैं। तो वहाँ भी चलते हैं, है ना मनीषा, कैसा लग रहा है तुमको ये गार्डन, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पुलिस की गाड़ी ये देखिए गाइस, ये पुलिस वाले कैसे चलते हैं, सब कीचड़ उछाल के चल रहे हैं, यहाँ पर अलाउ नहीं है, लेकिन पुलिस वाले हैं तो भाई अब
कैसे भी चलते हैं। बताओ छीटा पड़ गया, चलो पैर पे पड़ा, तुम्हारा तो कपड़ा खराब नहीं हुआ, मेरा तो कपड़े तो पड़ गया यहाँ पे देखो। तो अभी मेरा ये छाता तोड़ने वाली है, छीटे रुको रुको दोनों तरफ से, दोनों तरफ से गाइस ये उल्टा छतरी कर दिए, ये तो हमको आप लोग देख सकते हो ये दोनों भाई बहन क्या कर रहे हैं, छाता को उलट उलट कर दिए। ये क्या चल रहा है, ये कौन सा गेम है, ये पैराग्लाइडिंग हो रहा है छाते के साथ। लेकिन बहुत कलरफुल है ना, अच्छा आ रहा है, चलो ये देखिए आप लोग बैकग्राउंड देखिए। हाँ चलो छाता से लग रहा है जो कैमरा वाला नहीं होता है। तो अब गाइस यहाँ से हम लोग निकलते हैं बोटैनिकल गार्डन से, बहुत अच्छा लगा। लड्डू छाता के लिए खाली रो रहा है और यहाँ पर ये भी छतरी के लिए, बड़ी वाली छतरी कह रही है कि बड़ा वाला छतरी मैं लेके जाऊंगी, आप लोग समझ रहे हैं। गाइस अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं और बहुत सारे लोग बैठ चुके हैं, जब हम लोग बैठे थे तब कोई नहीं था, लेकिन अभी सब लोग आ चुके हैं, बस हमारी भर चुकी है। वो चर्च का नाम तो सन माइकल चर्च है, 150 ईयर ओल्ड चर्च है। वो चर्च में देखना तो सब लोग साजन पिक्चर देखा, साजन में देखना तो शादी सीन आती है ना, मैरिज सीन, वो चर्च में तो वो आई। और राइट साइड में देखना तो रेलवे ट्रैक का साइड में देख ले, बड़ा बड़ा जार देख रहा ना, वो लंबा जार, वो सभी देखना तो नीलगिरी ऑयल का जार है, यूकेलिप्टस ऑयल। सो गाइज बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो सामने चर्च आपको दिख रहा है ये वो चर्च है जहाँ पर साजन मूवी में शादी होती है, वो वाला सीन है। और बहुत मतलब प्यारा व्यू है, बहुत अल्टीमेट व्यू, काफ़ी खूबसूरत। तो गाइज फाइनली हम लोग आ गए हैं बहुत ही खूबसूरत सा जगह जहाँ पे साजन मूवी शूट हुआ था, वो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो, पूरा वो साजन मूवी वहीं पे शूट हुआ था, वो जहाँ चर्च है यहाँ पे तो दिख नहीं पा रहा है बट यहीं पे शूट हुआ था। हम लोग अभी यहाँ से खड़े होके आप लोग जितना भी मूवी शूट वगैरह हुआ था वो इसी जगह हुआ था, और मेरे को वो मूवी वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फाइनली हम लोग वो जगह आ ही गए हैं, आप लोग बताओ गाइस कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और मिस्टर राज भी बहुत ज़्यादा खुश है, ये तो आए भी हैं बट मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये जगह। और चलती हूँ उनसे कुछ कुछ पूछती हूँ। हाँ फोटो शूट करने के लिए भी बहुत प्यारा सा मतलब जगह है, हम शूट कर सकते हैं और इनको देख सकती है। चलिए आपका एक फोटो खींच देते हैं, मस्त वहाँ से ट्रेन गई ना, वो वाला पटरी पे दिख रही थी, सब दिखेगा पूरा। सो गाइस अभी मनीषा गिरने वाली थी फोटो के चक्कर में, नहीं आ रहा है, आ जा। अच्छा चलो ऐसे चलो, ये गोदी में अभी नहीं रहा। और यहाँ पे बारिश फिर से आने लग गया है, ये जो छोटे छोटे आप रूम्स देख रहे हैं इसमें लोग रहते हैं स्पेशली हनीमून वगैरह मनाने, तो यहाँ पे 36 विलेज हैं टोटल अभी जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिला, ये सारे होटल के रूम्स हैं। और चर्च मैंने आपको दिखा दिया साजन मूवी का ये वाला, बाकी चल छैया छैया वाला जो शूट हुआ था वो शूट भी आपका ट्रेन पे, यहाँ ट्रेन पे दिखेगा वो, ये ट्रेन की पटरी आपको दिख रही होगी यहाँ पे शूट हुआ है। चल छैया छैया बहुत मज़ा आता है, ये ट्रेन उधर से अंदर गुफा में जाती है, एक टनल भी है, काफ़ी अच्छा था। बाकी चलिए अब हम लोग अपने कैब की तरफ चलते हैं, कैब मतलब बस की तरफ, जो हमारी बस यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ये देखिए इनको कोई पैसा नहीं दे रहा है तो बैठ गई हैं, कटोरी चाहिए बस। हम लोग भी हैं भाई, मनीषा तुम भी ज्वाइन कर लो, ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा कटोरी ले लेके एक को, हम बैठेंगे तो सब भाग जाएगा लूट के। फोटो पूछ यहाँ पे चल रहा है क्या मस्त, राइट राइट, फोटो फट गया, ब्लर हो गया। फोटोग्राफर का पोज देखिए पहले आप लोग, एक टांग आगे एक टांग पीछे, माशाल्लाह क्या फोटो खींची आपने, अरे वाह, 40,000 तोपों की सलामी। लड्डू गिर गया नीचे, लड्डू का पीछे से पैंट खुल गया है बटन। लड्डू यू फॉर
पूरा तो देखने तो गोल्ड कलर प्लेट में तो लिखा है यहाँ। ये वो जगह है जहाँ पर पूछो जरा पूछो वाला गाना यही शूट हुआ है राजा हिंदुस्तानी का। गाड़ी से नजारा था कितना खूबसूरत। सो दोस्तों अभी जिस वादियों में हम लोग हैं ये है बेसिकली ऊटी, और ऐसे आप लोगों ने मैप में पढ़ा भी होगा पहले बचपन में कि यहाँ पे केरल वगैरह में चाय की बहुत अच्छी खेती होती है। तो इस चाय के बगान में हम लोग चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ो, हाँ असम में भी होती है। तो ये सारे जो प्लांट देख रहे हैं ये सारे टी प्लांटेशन है, और एकदम बिल्कुल जन्नत में एक तरह से बहुत ही अच्छा नज़ारा। और प्रदीप बाबू और पूजा ये लोग सब लोग थक गया है घूम घूम के। ये देखो ये क्या चीज है गाइस, आप लोग कमेंट में बताना ये क्या है, हम लोग पहली बार देख रहे हैं। ये मिल रहा था खाने के लिए, पटल है ये। टच मत करो सोना, कुछ इचिंग इचिंग होने लग जाएगा कुछ कुछ। चलो अच्छे से। सो गाइस अब यहाँ से आप देखिए नजारा, वाह दिस इज सिंपली ट्रेमेंडस। ये सारे पत्ते हैं टी लीव्स, देखिए जहाँ तक नजरें जाए चाय का बगान। छोड़ दी तुम अपना कार के अंदर, बबल्स वहाँ उड़ रहे हैं। इस कितना इसका कैसे बनता है, इसी का चाय पत्ता बनता है, चाय पत्ती बहुत अच्छा खुशबू है सुना है ना, एक पत्ता ले ले। इतना सारा नीचे गिरा। सो गाइस आप लोगों को कैसा लगा चाय का बगान जरूर बताना, बाकी फोटोज वगैरह खींचते हैं कुछ मनीषा के। तो गाइस अब देखिए ये मनीषा कहाँ कहाँ चढ़ रही है चाय के खेत में बिल्कुल ऊपर तक। दिस इज सो अमेजिंग गाइस। ओके बेबी टिक 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 टिक। सो गाइस दिस आर द रियली वेरी फ्रेश टी लीव्स, चाय के पत्ते हैं ये। अब मैं मिस्टर राज का भी फोटो खींच दी तो फिर हम लोग एक साथ फोटो हम लोगों को आप देख सकते हो। ऐसे ही मेरे को पता है क्या, मेरे को फोटोज वीडियोस ज्यादा एंजॉय करने में ऐसे मजा आता है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। साथ में कुछ पार्ट आपको शूट करके दिखा भी देते हैं हम लोग। बहुत ही रियली ब्यूटीफुल प्लेस। अभी तो बहुत ज्यादा घना कोहरा है, घना फॉग है, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ। नहीं तो एक्सीलेंट गाइस, सुपर्ब, बहुत मस्ट विजिट प्लेस। वैसे हम लोग दार्जिलिंग जाते हैं ना तो भी ऐसा ही दिखता है, पता है तुमको? दार्जिलिंग भी चलेंगे टॉय ट्रेन में, तुमको घुमाएंगे। दार्जिलिंग भी सेम ऐसा ही दिखेगा बिल्कुल, बहुत प्यारा सा। आपको इतना। तो गाइस हम आ गए हैं यहाँ पे और यहाँ फ्री में चाय पिलाया जा रहा है, क्योंकि आप पीछे देख सकते हो चाय का पूरा यहाँ पे वो खेती होता है, यानी पूरा चाय का ही है। और उनको देखिए वो यहीं से देख रहे हैं मेरे को, आप लोग को जूम कर देते हैं, नहीं हो हम भी थोड़ा चाय पी लेते हैं, चाय काफी ज्यादा अच्छा है और हम दोनों चाय पीने आए, वो दोनों बैठे हुए। चाय और अभी हेडेक हो रहा है तो जाएगा चाय। बहुत ही अलग अलग तरह का टी है, आप लोग आके पी सकते हो। और यहाँ से चाय पत्ती वगैरह भी हम लोग ले जा सकते हैं, बट मिस्टर राज चाय पीते नहीं है। मैं ट्राई करती हूँ।
देख सकते हैं चाय हम लाके दिए टेस्ट करने के लिए। चाय का मॉलिक ज्यादा लग रहा है लेकिन चाय पत्ती हाँ चॉकलेट टी फिर से चाय आ गया सही है। उतर नहीं सकते लड्डूया बट फिर भाई सब इतना कम कहे दूसरा है बैक कंप्लान एक और लिख से लग रहा है वो कंप्लान लग रहा है कंप्लान लग रहा है अलग सही में कंप्लान लग रहा है तो महकी रहा है कंप्लान की तरह चॉकलेट है श्री प्रकाश स्कूल में मिलता था उसमें भी कंप्लान ही होता है। आपको कैसा लग रहा है कंप्लान कैसा मसाला कंप्लान जैसा तो लग ही रहा है ये डाल बहने में बढ़िया है ना ये दूसरा जा रहे लेके So guys, मनीषा को लगी है जोरदार भूख और अब यहाँ पे मनीषा को अकेले खाना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा बाद में खाएंगे क्योंकि कुन्नूर का एक फेवरेट रेस्टोरेंट है प्रदीप बाबू का। मेरा गुल्ली बेटा मेरे गोद में था मेरा गुल्ली बेटा मेरे गोद में था फिर उठ के पापा के गोद में भाग गया। यहाँ पे बहुत अच्छे लंच सब लोग कर रहे हैं। बाकी हमारा लोकेशन देखिए जहाँ हम रुके हैं ये भी बहुत खुश मिजाज करने वाला लोकेशन है काफ़ी सुंदर दिख रहा है। लैंग्वेज यहाँ की भाई साहब तमिल है तो वो समझ में बहुत लोगों को नहीं आती है। यहाँ ऊपर भी चाय की खेती आप देख सकते हैं ये ऊपर जितनी प्लांटेशन हो रही है सब चाय की खेती है। तभी हम लोगों ने फाइनली खाना पीना खा लिया मैंने नहीं खाया मनीषा ने सब खाया क्योंकि मनीषा को बहुत भूख लग गई थी। बाकी लड्डू को हमने खिला दिया और अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं सुसाइड पॉइंट जहाँ लोग सुसाइड करते हैं तो हम सुसाइड करने नहीं जा रहे हैं हम वहाँ वो लोकेशन देखने जा रहे हैं। प्रदीप बाबू कैसे हंस रहे हैं आपको भी दिखाते हैं बने रहिएगा एंड तक और क्या बहुत मज़ा आ रहा होगा इस ब्लॉग देख देख कर आपको सब चीज़ें दिखा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट फाइनली लोकेशन पे तो पहुंच गए हैं लेकिन यहाँ से आप देखिए कितना शानदार नज़ारा है और ये जो सामने शहर दिख रहा है यही मेट्टुपालम शहर है जहाँ से बेसिकली हम लोग आए हुए थे। पूरा इतना बड़ा मेट्टुपालम है फिर कोयम्बटूर और दूर होगा ओ भाई साहब देखिएगा ये पूरा मेट्टुपालम एकदम डरा रहे हैं ना। तो चला जाए सुसाइड पॉइंट 10 मिनट का वॉकिंग है यहाँ से चलिए। हाँ यू नो व्हाट गाइस कभी भी कहीं जाओ ना तो वहाँ से चीज़ों को एक्सप्लोर करो और मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना मतलब मुझे अच्छा लगता है तो इसीलिए मैं घूमते रहता हूँ। अभी ये वाला जो लोकेशन है मनीषा को मत खिलाएं मनीषा को मत खिलाएं तो गाइस अभी कितने घने जंगल वो भाई सब ओहो कितना सुंदर रोड है यार रील्स गदर बनेगा यहाँ पे। और यहाँ के तबाही मचाने के लिए हम लोग को कितना पैसा देना पड़ा है 20 रुपीज पर हेड ठीक है। कितना सुंदर ये जंगल में क्या करने घूमने वाओ जंगल है मंगल लड्डू ये लड्डू पड्डू को चलवा रहे हैं पैदल हम लोग सीढ़ी पे उठा सीढ़ी पे पैर उठा लेता है अपने आप लड्डू। सो गई जैसे जैसे हम लोग सुसाइड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर नजारा और भी खूबसूरत होते जा रहा है। यहाँ पर देखिए सब फोन लिए हुए हैं मतलब एक एंजॉयमेंट इतना ज्यादा यहाँ पे है बहुत अल्टीमेट। क्या कहा तरु बोल रहे बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं बट यहाँ नेट नहीं चल रहा कौन सा फी ले रही हो देखिए ये फी ले रही है यहाँ भी बेचने वाला फी सेल्फी आप खड़ा हो अरे ये लड्डू तो चढ़ गए हैं बाबू ढिचकियाँ इधर बाबू देखिए फोटो खींचने के लिए परेशान है एंजॉय करो नेचुरल ब्यूटी को
खाली फोटो फाटो में मत रहो, ऊपर दिखाते तगड़ा वाला ना। क्या कह रही है? चलो ऊपर, क्यों थक गए? इतना पतला सब तब भी थक गया। हाँ अभी पिछले जस्ट मैंने कट मार दिया, वैसे ये ना बोल रही थी चढ़ने की वजह से, मोटी से चढ़ा नहीं जा रहा इससे। मोटी का तो समझ में आ रहा, पतली का भी हालत खराब है, दोनों एक जैसे एक ही जैसे हो गए। देखो फोटो खींच देते हैं यहाँ पे। सो गाइज आप देख सकते हैं मनीषा कहाँ चढ़ गई है, एकदम दिख नहीं रहा। अरे कितना शानदार, ऐसा लग रहा है ना बर्फ जमा हुआ है यार, वहाँ कितना खूबसूरत है। अरे वो भी एकदम सुंदर से, चला जाए यहाँ से। और मिट्टू पालम तो बहुत मस्त दिख रहा है, चलना है मैडम यहाँ से। हाँ, हम तो वीडियो स्टार्ट। सो दोस्तों हुआ क्या कि मैंने तो ये सोचा कि आप लोगों को मैं दिखाऊं सुसाइड पॉइंट वगैरह सब कुछ, लेकिन ये वीडियो की लेंथ इतनी ज़्यादा लंबी हो रही है, इतनी ज़्यादा लंबी हो रही है कि ये तो भाई चलो लड्डू गोपाल तो चढ़ गए ऊपर, और ये साइड में थक गई हैं बेचारी, इनसे चला नहीं जा रहा है, इनका भी वही हाल है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। कहाँ ट्रेन आ गई? ट्रेन आई, ट्रेन आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, गुड बाय। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का तीसरा व्लॉग जब आएगा तब आपको दिखेगा और भी धमाकेदार चीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, गुड बाय, जय हिंद।